कन्नौज, नागरिकता संशोधन बिल व बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सपा कार्यकर्ताओं का बड़ा विरोध प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में विरोध करने निकले सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। गुस्साए सपाइयों ने जमकर लगे सरकार मुर्दाबाद के नारे। सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तार सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ले गई पुलिस लाइन। भारी पुलिस बल की अभिरक्षा में सपाई गिरफ्तार। संवाददाता। अनुमति मांगी गई थी कि हमें जो है प्रदर्शन करने का की अनुमति है, जो कि अनुमति जो है हम लोगों ने नहीं दी। उसके बाद भी करीब 200 से 250 जो है कार्यकर्ता इनके पार्टी कार्यालय पर इकट्ठे हो गए थे। हम लोगों ने पर्याप्त फोर्स वगैरह का इंतजाम कर रखा था, तो जब हमने इनको समझाया तो लोग नहीं माने, फिर हमने इनको अरेस्ट किया। पुलिस लाइन में हम लोगों ने जो है स्थाई जेल का निर्माण किया था, तो वहाँ पर इनको लगा के रखा। फिर निजी मचल के फिर कितनी संख्या होगी लगभग यहाँ पर? करीब 250 से 300 लोग। तो इस समय सिचुएशन क्या है? इस समय सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। सब जगह पे हमारी पुलिस फोर्स भी तैनात है और धीरे धीरे करके सभी लोग पुलिस पर। सर, किसी तरह का बल प्रयोग किया गया क्या? किसी भी तरह का बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं हुई। कहीं कहीं पर जो है यहाँ पर वो रोड पे चल रहे थे, तो उनको उठा करके सभी को जो है, जो हम लोगों ने बसों का इंतजाम किया था उसमें बैठा दिया। सर, अभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत? अभी सर उनको वापस, उनको छोड़ दिया गया है? वापस सभी के अपने अपने साधन हैं, तो अब जिन जिन लोगों ने मचल का भर दिया उनको हम लोग धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े ग्रुप में छोड़ रहे हैं, जैसे किसी प्रकार की कोई अवस्था। आज आप लूँगा, आज समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश में और देश में धरना प्रदर्शन इसलिए रखा है कि जो केंद्र की सरकार मेन मुद्दों से हट के आज जो पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, किसान परेशान है, मजदूर को काम नहीं मिल पा रहा है, बिजली की समस्या है, इन मुद्दों से हटकर ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार नए नए मुद्दे ला रही है, जो जनहित में जनहित के विरोधी मुद्दे हैं। आज संविधान विरोधी जो कानून बनाया जा रहा है उसके खिलाफ, CAA के खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन कन्नौज में हो रहा है, और यहाँ पर हम लोगों को अपनी बात रखने के लिए भी टाइम नहीं दिया गया है। प्रशासन ने क्या किया आप लोगों? सर, प्रशासन ने हम लोगों को यहाँ लाकर स्थायी जेल में हम लोगों को ला दिया है, यहाँ रख दिया है, और हमें अपनी बात नहीं करने दी है। विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रशासन सख्त दिखा है काफी, आप लोग अपनी बात बिल्कुल रखने नहीं दी गई? नहीं, हम लोग अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं कि जो कानून बनाया गया है पूरे देश में, आज स्टूडेंट ने इसको उठाया है और सबको जगाया, जगाने का काम स्टूडेंट ने किया है। जो स्टूडेंट के साथ अत्याचार और जो वहाँ पे लाठीचार्ज और गोली से जो स्टूडेंट घायल हुए हैं, जो लोग मर गए हैं, उन्होंने जगाने का काम किया है पूरे देश को, और ये देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी निंदा हो रही है। इस तरह का कानून नहीं बनाना चाहिए था। जो जिन्ना नहीं कर पाया, जो अंग्रेज नहीं कर पाए, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये हिंदू और मुस्लिम को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान हमेशा से, सदियों से एक होकर के रहा है। देश को आज़ाद कराने का काम हिंदू और मुसलमानों ने दोनों मिलकर किया है, और ये कानून जो है वो CAA और NRC का कानून जो लाया है,
ये कानून देश विरोधी कानून है, इसको खत्म किया जाए। कानून व्यवस्था को लेकर और कोई भी कुछ मांगे हैं आप लोगों की? कानून व्यवस्था तो पूरे तरह से ध्वस्त है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लगता है कि कानून